हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सेशन ऑफ ग्रुप थ्योरी। अब तक जो किया है आपने, आज हम करेंगे ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट, जैसे कि लास्ट क्लास में आपको बताया गया था। बहुत ही अच्छा टॉपिक है। देखिए, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट करने से पहले भाई, ये लास्ट क्लास में भी आपको बोला गया है कि यू शुड बी कम्फर्टेबल विद जेड एन म्यू एन जी एल। ये अच्छे से आपको पता होना चाहिए कि क्या होते हैं। अच्छा, एडिंग टू इट, लास्ट क्लास याद करेंगे हमने मैट्रिक्स का इन्वर्स बहुत तरीके से निकाला था, आपको याद होगा। हम जी एल एन आर की जगह जी एल टू जैसे जेड थ्री में ले लिया, या जी एल टू जेड फाइव में ले लिया, किया है ना लास्ट क्लास में इन्वर्स निकाला, तो उसका तरीका भी अलग है। तो यहाँ पे एंट्रीज आर कमिंग फ्रॉम जेड थ्री जेड फाइव, यानी मॉडुलो थ्री मॉडुलो फाइव, ये सब लगेगा। ठीक है, अब आइए ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट। यस, हाँ जी, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट आप लोग कॉपी कर सकते हैं, आप सभी बच्चे कॉपी कर सकते हैं। यस, आप लोग लिख तो रहे हो ही, साथ साथ सुनते भी रहो, लिखते भी रहिए, सुनते भी रहिए, देखते भी रहिए। देखिए, सभी स्टूडेंट देखेंगे, मैंने आपको दो तीन चीज़ें पहले बताई हुई हैं। इन अ ग्रुप या इन ग्रुप थ्योरी, एनीथिंग रेस टू पावर जीरो, पहली बात आप आइडेंटिटी लेंगे। दूसरा, ए रेस टू पावर माइनस एन कैन ऑलवेज बी रिटन एज ए रेस टू पावर एन का पावर माइनस वन, या फिर ए इनवर्स का पावर एन लिख सकते हैं। यानी ए रेस टू पावर में माइनस थ्री लिखा है, तो इसको आप ए थ्री का इन्वर्स लिख सकते हैं, या फिर ए इन्वर्स का थर्ड पावर लिख सकते हैं, राइट नाउ लिख सकते हैं। नेक्स्ट, मैं पढ़ रहा हूँ, जरा साथ आइए। लेट जी बी अ ग्रुप, ए ग्रुप का मेंबर है और एन कोई पॉजिटिव इंटीजर है, यानी वन टू थ्री फोर हो सकता है। देन ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू एन, इसको पढ़ा जाता है ऑर्डर ऑफ ए। पहले ही सुन लीजिए, ऐसे लिखना, या फिर ओ ए लिखना, या फिर ये लास्ट वाला लिखना, ये तीन नोटेशंस आपको एग्ज़ाम में या अदरवाइज मिलेंगे। अगर आपको इसमें कंफ्यूजन हो रहा है, हो सकता है बिकॉज ये देखने में लग रहा है मॉड्यूलस है, और अगर आप मैट्रिक्स का ऑर्डर निकाल रहे हैं तो ये डिटर्मिनेंट की तरह डील करेगा, तो ये ना करके आप ये दोनों नोटेशंस फॉलो कर सकते हैं। एक तो ये दिख रहा है आपको ऑर्डर ऑफ ए, और या फिर उसमें भी परेशानी है तो लिख दीजिए भाई, क्लियर हो गया। ये तीन नोटेशंस रहती हैं। लेकिन नेक्स्ट, ऑर्डर ऑफ ए का मतलब क्या है? देखो, ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू एन एलिमेंट का ऑर्डर, इफ एन ओनली एन इज द सबसे छोटा स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर सेटिस्फाइंग ए पावर एन वी। अभी इसको एक्सप्लोर किया जाएगा, बट एक्सप्लोर करने से पहले एक छोटा सा एग्जांपल दे रहे हैं। मान लीजिए, सपोज ए पावर जीरो तो खैर आइडेंटिटी हो गई, मान लो ए पावर वन आइडेंटिटी नहीं है, सेकेंड पावर इज नॉट ई, थर्ड पावर इज नॉट ई, बाई चांस फोर्थ पावर आइडेंटिटी के बराबर आ गया। अगर चौथा पावर आइडेंटिटी के बराबर आ गया तो पांचवा क्या आएगा? दोनों तरफ ए के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ए के साथ कंबाइन कर सकते हैं, दिस विल बी ए। ए पावर सिक्स इज ए स्क्वायर, ए पावर सेवन्थ इज ए क्यूब, एंड अगेन ए पावर एट इज ए पावर फोर विच इज ई। अब जरा ठहर जाओ, यहीं से आपको पता लग गया, यहीं से आपको पता लग गया फोर्थ पावर, देन एट्थ पावर, नेक्स्ट पावर क्या आएगा? ट्वेल्थ पावर डेफिनेटली आएगी, उसके बाद अगला पावर 16th पावर, नेक्स्ट इज 20। तो बेसिकली ए रेस टू पावर, पावर में मल्टीपल ऑफ 4 अगर लिखा है तो आइडेंटिटी आएगा, दिख रहा है आप लोगों को। द
सेकेंडली ये जो सर्कल्स किए गए हैं या जो हाईलाइट किए गए हैं इसमें से देखिए जरा ध्यान से एवरीवन। हाँ जी, लुक एट दिस। ये सब क्या फॉलो कर रहे हैं? ए रेस टू पावर एन इक्वल टू आइडेंटिटी। कि आप इन पावर्स में से हाईएस्ट पावर चूज कर सकते हैं। वेल आउट ऑफ क्वेश्चन, क्योंकि 20 के बाद 24 आएगा, 24 के बाद 28 आएगा, तो आता ही रहेगा, कहीं एंड नहीं हो रहा है। लेकिन आप इन हाईलाइट की पावर्स में से स्मॉलेस्ट पॉजिटिव पावर चूज कर सकते हैं, ऑब्वियसली 4। समझ में आ गया? हाँ जी। सो यहाँ ऑर्डर ऑफ में 4 है। अभी रुको रुको, ठहरो ठहरो। अब बच्चा कहता है कि सर ये क्यों छोड़ दिया आपने? देखिए भाई, ये इसलिए छोड़ दिया कि वो तो यूनिवर्सली ग्रांटेड स्टेटमेंट है, ऑर्डर के केस में उसको नहीं देखा जाता, वो होता ही है, वो होता ही है। वैसे भी यहाँ लिखा है ना, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर पॉजिटिव होना चाहिए, तो ऑर्डर ऑफ ए के लिए जो पावर है वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो आई होप दिस इज़ वेरी वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब दोबारा से हम डेफिनेशन पढ़ेंगे। आओ, ऑर्डर ऑफ ए इज एन इफ एंड ओनली इफ एन इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर सेटिस्फाइंग ए पावर एन इज आइडेंटिटी। जैसे कि इस केस में आपको दिख रहा है द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव पावर एन फॉर विच ए पावर एन इज आइडेंटिटी इज 4। सो ऑर्डर ऑफ ए इज 4। ये छोटा सा एग्जाम्पल आपको क्लियर हो गया? नेक्स्ट देखिए, यहाँ मैं ये कह सकता हूँ कि किसी भी बच्चे को अगर ऑर्डर निकालना है तो इस तरह का चार्ट बनाना पड़ेगा। और एग्जाम्पल देख लीजिए, मैनी थिंग्स आर कमिंग, मैनी मैनी थिंग्स आर कमिंग। यस ऑल ऑफ यू, मान लीजिए आपके पास एक्स है, वाई है, ग्रुप के मेंबर्स हैं, इसको कोई नहीं रोक सकता। एक्स पावर जीरो आइडेंटिटी, सपोज पहला पावर आइडेंटिटी नहीं है, दूसरा पावर आइडेंटिटी नहीं है, तीसरा पावर लिया वो भी आइडेंटिटी नहीं है, फोर्थ भी आइडेंटिटी नहीं है, फिफ्थ भी आइडेंटिटी नहीं है, लेकिन बाय चांस छठा पावर आइडेंटिटी आ गया, आगे आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, उन्होंने क्या होगा, तो इसका ऑर्डर 6 हो गया। इज दैट ओके? बिकॉज 6 इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव। ओके, लाइकवाइज आइए जरा जी वाई के लिए आइए। सपोज वाई पावर जीरो इज आइडेंटिटी, फर्स्ट पावर नॉट ई, सेकेंड पावर नॉट ई, थर्ड पावर नॉट ई एंड सो ऑन। ई आई नहीं रहा है। अब बताओ जरा प्रैक्टिकली भाई, देखो इतना बनना पड़ेगा आप लोगों को, कोई भी पावर के लिए जब सबसे पहले आइडेंटिटी आ रहा था तो ऑर्डर तुरंत डिक्लेयर हो जाता, लेकिन अगर किसी पावर के लिए आइडेंटिटी आएगा ही नहीं तो ऑर्डर डिक्लेयर नहीं हो पाएगा, मानते हैं ना? Yes. तो इस तरह की सिचुएशन को बोला जाता है ऑर्डर इज नॉट फाइनाइट, या ऑर्डर इज इनफाइनाइट भी कह सकते हैं, बिकॉज फाइनाइट के लिए तो कोई पावर टकरा ही जाता आपसे, आपके पास। तो मैं वो चीज लिखने जा रहा हूँ, जरा ठहर जाइए। सर्टेन ऑब्जर्वेशंस, ये सिंबल मैंने लिखा है, आप इनफाइनाइट लिखिएगा प्लीज। सबको ये डेफिनेशन क्लियर, ये ऑब्जर्वेशन क्लियर है? लिखो नहीं, रुक जाओ अभी। ऑब्जर्वेशन क्लियर है? सेकेंडली yes. अभी दोबारा से इस पे आ रहे हैं, जरा साथ दीजिए आप सभी लोग। आप सबसे रिक्वेस्ट है साथ दो। मान लो एक एलिमेंट बी लिया मैंने, बी पावर जीरो तो आइडेंटिटी उससे अलग बात करिए, बी का फर्स्ट पावर आइडेंटिटी नहीं, बी का सेकेंड पावर आइडेंटिटी नहीं, बाई चांस बी का थर्ड पावर आइडेंटिटी हो गया, यू नो ऑर्डर ऑफ बी कितना आएगा? ऑर्डर ऑफ बी 3 आएगा। अच्छा, अब एक पर्टिकुलर एलिमेंट लिया जा रहा है, और क्योंकि जरूरी है, जरूरत है हमें भाई, मैंने लिया आइडेंटिटी, अब आइडेंटिटी एलिमेंट को ऑर्डर निकाला जाएगा। जरा आइए, ई रेस टू पावर जीरो लिखो मत लिखो कोई मतलब नहीं है, लेकिन इसका फर्स्ट पावर, सेकेंड पावर, थर्ड पावर, फोर्थ पावर, अरे भाई साहब ये तो सब आइडेंटिटी के बराबर है। टेल मी द लीस्ट पॉजिटिव पावर फॉर विच दिस इज कमिंग। तो किसी भी, हाँ जी ये आपके लिए, यस एन याद कर लेना, एनी मतलब एनी, मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप, एडिटिव ग्रुप, मॉड्यूलो ग्रुप, दिस थिंग दैट, एनी थिंग, इवन मेट्रिसेस का हो या कंपोजिशन कुछ भी हो, इन एनी ग्रुप, किसी भी ग्रुप में द ऑर्डर ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट is हाँ जी, is it clear? additive, multiplicative, modulo, this thing that yes
नेक्स्ट थिंग, एक आखिरी चीज़ सुन लीजिए, क्योंकि एक बहुत अच्छी चीज़, बहुत अच्छी एक्सरसाइज करने जा रहे हैं हम लोग। सामने देखिएगा, कंपेयर करिए। ये मैं पहले भी आपसे, आपके साथ बात कर चुका हूँ। ये स्टूडेंट्स मान लो डॉट में हैं और ये प्लस में, तो अगर आपने यहाँ ए और बी दो एलिमेंट्स लिए और यहाँ आपने ए और बी दो एलिमेंट्स लिए, तो डॉट का क्लोजर ए डॉट भी देगा, प्लस का क्लोजर ए प्लस भी देगा। नाउ राइट नाउ बी को छोड़ दीजिए और बी की जगह ए ले लीजिए, तो ए डॉट ए एंड दिस इज ए प्लस ए। बस आप समझ गए बात कि क्या होने वाला है। आइए, ए से आपका पहले तो ए स्क्वायर आएगा, ए विद, देन ए और ए स्क्वायर का क्लोजर, देन क्लोजर एंड सो ऑन। जी, ए से ऐड करने पे 2a, देन इनको ऐड करिए 3a, देन 4a। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, ऑल ऑफ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड, ट्राई टू अंडरस्टैंड भाई। जो चीज़, हाँ आप ही से कह रहा हूँ, जो चीज़ यहाँ ए पावर एन लिखी गई है वही चीज़ यहाँ एन ए लिखी जाएगी, यस और नो? यस सर। ये इधर आ जाएगी, यहाँ लिख रहे हैं, लेट मी राइट। विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, एडिशन आपको देखना पड़ेगा, आप छोड़ नहीं सकते भाई। ये मल्टीप्लिकेटिव है तो पावर्स में डील करेंगे, एडिटिव है तो फिर ऐड करेंगे। पहले दो बार ऐड किया, फिर तीन बार ऐड किया, फिर वही मतलब आपस में ऑपरेट करना है। ये मल्टीप्लिकेशन में भी तो ए विद ए, ए विद ए विद ए, तो दिस इज ऑल्सो ए विद ए विद ए इन इन एडिशन। क्लियर हो गया? लिखिए यस फटाफट, कॉपी करिए। यस ऑल ऑफ यू, देखो भाई हम बहुत अच्छी चीज़ करने जा रहे हैं और आपको भी बराबर साथ तो देना ही पड़ेगा। तो एक मिनट का टाइम दिया आपको, एक मिनट तो ज़्यादा हो जाएगा, 30 सेकेंड्स प्लीज़। एटलीस्ट ये डेफिनेशन ज़रूर याद कर लीजिए, बिकॉज़ कुछ बच्चे तो सामने हैं लेकिन कुछ बच्चे सामने नहीं हैं, फिर आपसे पूछा जाएगा या अननोन क्वेश्चन में निकालना पड़ेगा, तब आपको प्रॉब्लम होगी, बार बार पेज नहीं पलट सकते। स्टेटमेंट याद कर लीजिए, अगर मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है तो डिफरेंट पावर्स चेक करिए, जिस पावर में सबसे पहले आइडेंटिटी आ गई वही ऑर्डर होगी। अगर एडिटिव ग्रुप है तो 2 टाइम से 3 टाइम से 4 टाइम से ऐड करके आइडेंटिटी लेके आना। ओके ओके, पहला क्वेश्चन, और बहुत स्वीट, बहुत आसान, लेकिन आप लोगों को कुछ नहीं लिखना, आप लोग सब सामने देखेंगे। डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ म्यू 8 मल्टीप्लिकेटिव मॉडल 8। भाई देखो ऐसे लिखो या ऐसे, अब समझ तो गए तुम क्या है, कुछ ऐसा फर्क नहीं पड़ता, झगड़ा तो करोगे नहीं। आइए जरा सॉल्यूशन गोज लाइक दिस प्लीज। व्हाट इज म्यू 8 अगर किसी बच्चे को याद हो तो? 1 है, 3 है, 5 है, 7 है। जी इधर साथ दीजिएगा आप सब।
वन थ्री, सभी स्टूडेंट्स बताएं इन चार एलिमेंट्स में से आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, वन, और आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑर्डर हमेशा कितना होता है, वन, तो वो किसी भी ग्रुप में आपको चेक नहीं करना है, वो वन है। अब थ्री का ऑर्डर, फाइव का ऑर्डर, सेवन का ऑर्डर ज़रा तैयार हो जाओ, देखो क्लियरली वन इज द आइडेंटिटी इम्प्लाइज ऑर्डर ऑफ वन इज वन। नेक्स्ट कंसिडर थ्री बिलोंग्स टू म्यू एट, क्लियरली बेटा जी ज़रा देखेंगे वॉट इज थ्री पावर वन, वॉट इज थ्री पावर टू, वॉट इज थ्री पावर थ्री, वॉट इज थ्री पावर फोर एंड सो ऑन। आ जाइए, कहाँ जा रहे हैं, जाना नहीं है कहीं। थ्री पावर वन इज थ्री, थ्री पावर टू इज नाइन, दिस इज 27 एंड दिस इज 81, और अगर हम गलत नहीं है तो मॉड्यूलो 8 लगाना है, मॉड्यूलो 8, थ्री रिड्यूस होगा नहीं, नाइन मॉड्यूलो 8 कितना होता है भाई, वन, 27 मॉड्यूलो 8 इज थ्री, अगेन वन। प्लीज सी, प्लीज सी, प्लीज सी, ऑल ऑफ यू, ऑल ऑफ यू, ऑल ऑफ यू, इज इट आइडेंटिटी, यस, सेकेंड पावर के लिए, इज इट आइडेंटिटी, यस है, फोर्थ पावर के लिए, सिक्स के लिए भी आएगा, एट्थ पावर के लिए भी आएगा। हाँ जी, सबसे पहले किस पॉजिटिव पावर के लिए आइडेंटिटी आ रहे हैं, बस यही करना है, ऐसे ही करना है, ये हमने थ्री के लिए किया, साथ देंगे आप सभी लोग जी। फाइव के लिए देखिए एवरी वन स्टूडेंट, नेक्स्ट बस छोड़ना नहीं है, व्हाट इज फाइव पावर वन, फाइव पावर टू, फाइव पावर थ्री, फाइव पावर फोर, हाँ जी, फाइव पावर वन इज फाइव, 25, 125, 625, व्हाट इज फाइव रिड्यूस्ड बाय एट, कुछ नहीं होगा, 25 रिड्यूस्ड बाय एट, अरे वन वन हो गया, हो गया, बस हो गया, हो गया। देयरफॉर ऑर्डर ऑफ फाइव इज टू, भाई सबको क्लियर हो गया, ऐसे सेवन का भी आ जाएगा, yes. बस ये चार्ट अपने आप में काफ़ी है, ऑल ऑफ यू बहुत अच्छे से लिखिए, अच्छे से बनाइए, वन के लिए लिख दिया, थ्री के लिए लिख दिया, फिर फाइव के लिए लिख दिया, देन सेवन के लिए लिख दिया। लिख लो, कोई बात नहीं, लिखिए आप लोग भी लिखिए। यस ऑल ऑफ यू हो जाएगा ना, हाँ जी, ये करिए जरा अगला प्रॉब्लम, अभी करके दिखाइए। यस प्लीज, थोड़ा फास्ट ट्रैक,
फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज म्यू 10 1379 हां जी क्लियरली वन इज द आइडेंटिटी दिस इंप्लाइज ऑर्डर ऑफ वन कितना आएगा नेक्स्ट हां जी 3 के लिए भी के हां जी 3 4 आएगा हां जी 3 पावर 1 3 पावर 2 3 पावर 3 3 पावर 4 आइए जरा साथ में मॉड्यूलो 10 है 10 से रिड्यूस होगा कैन नॉट बी रिड्यूस्ड ओके कैन नॉट बी रिड्यूस्ड 1 नहीं 27 इज 7 बट दिस इज नॉट 1 हां जी ये तो 1 आ गया जी किस पावर के लिए आया है किस पावर के लिए आया है सबसे पहले सो ऑर्डर बस काफी है इतना लिखना इतना बताना काफी है अब ऐसे ही आप बाकी एलिमेंट्स के लिए कर सकते हैं पूरा प्लीज आधा नहीं छोड़ना है पूरा करना है म्यू 10 के एलिमेंट्स हैं 1 है 3 है 7 है 9 है जरा साथ आए ऑर्डर ऑफ 1 इज 1 ऑर्डर ऑफ 3 इज 4 ऑर्डर ऑफ 9 ऐसे ही बता दो 9 का फर्स्ट पावर 9 9 का सेकंड पावर 81 तो ये 2 आ गया अभी लिख लीजिएगा प्लीज हां अच्छे से लिखना है अभी नहीं तो क्लास के बाद लिख लेना और इसका ऑर्डर भी 4 आ जाएगा सिमिलर यू नो हो जाएगा हो जाएगा जैसे जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में हर एक एलिमेंट का डिस्क्रिप्शन दिया है यहाँ भी देना 1 का हो गया 3 का हो गया 7 का दीजिए 9 का दीजिए रेडी फॉर नेक्स्ट यस सर नेक्स्ट भाई जरा साथ हो प्लीज स्टॉप राइटिंग एवरीवन एडिटिव ग्रुप है या मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है आइडेंटिटी क्या है इसमें जीरो है ना आइडेंटिटी जीरो एंड सॉल्यूशन Z4 यानी 0, 1, 2, 3 Also, एक एक का description 0 belongs to Z4 is the identity element This implies order of 0 is 1 Next 1 का order निकालना हाँ जी पहले साथ है ये एकदम से जल्दबाजी में कुछ होगा नहीं ये मल्टीप्लिकेशन अगर है तो a पावर 2 a पावर 3 a पावर 4 a पावर 5 एंड सो ऑन बट अगर एडिशन है तो याद है ना आप लोगों a 2 a 3 a 4 a 2 टाइम्स ऐड करना 3 टाइम्स ऐड करना कुछ याद आ रहा है अब ऐड करना पड़ेगा यस सर पावर नहीं लेना है टाइम ऑफ पावर हैज गॉन 1 हां देखो देखो 1 1+1 1+1+1 1+1+1+1 आइए This is 1, this is 2, this is 3, this is 4 अगर आप modulo 4 से reduce करेंगे अगर करना चाहें तो करिए 1, 2, 3 cannot be ओहो आगे समझ में किस कितनी बार add करने पे identity आया आप बताओ 4 बार add करने पे hence अरे भाई ठीक है yes no order of 1 is 4 अब ये बिकॉज पहला एडिटिव ग्रुप है तो सबका लिख ही देते हैं साथ आ जाइए साथ आइए कोई बात नहीं करना तो है ना यस स्टूडेंट्स 2 पावर नहीं लेना है 2 प्लस 2 में ही काम हो जाएगा सो दिस इज 2 दिस इज नॉट 0 दिस इज 4 दिस इज 0 0 का मतलब आइडेंटिटी हाउ मेनी टाइम्स एडेड हाउ मेनी टाइम्स 2 टाइम्स सो ऑर्डर ऑफ 2 इज 2 फाइनली आंसर देने में इंटरेस्टेड नहीं है कुछ बच्चे हैं चलिए कोई बात नहीं थ्री थ्री वन टाइम्स टू टाइम्स थ्री टाइम्स एंड फोर टाइम्स थैंक यू वेरी मच बस
आपको क्लियर होना चाहिए, और ग्रेजुएशन में पढ़ना छोड़ छोड़ मत देना, अब सारा कार्य हमारे साथ ही होना है। ओके, अभी ज़्यादा बोलना ठीक नहीं है। 3, 6, 9, 12 मॉड्यूलो 4 से रिड्यूस करेंगे तो ये 2 आ गया, ये 1 आ गया, और ये 0 आ गया। आइडेंटिटी 1 नहीं है, आइडेंटिटी 0 है। तो दिस इज़, ओके लेट मी राइट, दिस इज़ नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी, दिस इज़ नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी, दिस इज़ नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी, एंड नाउ वेयर इज आइडेंटिटी इन द लास्ट केस। सो ऑर्डर ऑफ 3 क्या आ गया जी? 4 आ गया भाई, ये तो लिखना पड़ेगा। ऑल ऑफ क्या बात है भाई, कौन से किस किस पेन से लिखते हैं आप? थोड़ा मैसेज मैसेज वो उसमें व्हाट्सएप पे ज़रा फोटो शेयर कीजिएगा, मैं भी वो वही वाला पेन लूँगा। ओके सर। आपका भी हो गया? करो फिर करो, ये लिख कर लो। हाँ कोई नहीं, अभी क्लियर है ना? ओके चलिए आगे चलते हैं, कोई बात नहीं जी। आप सभी लोग, ये क्वेश्चन आपके सबके सामने है, तो आप मेरे को ये क्वेश्चन करके दिखाइए, इससे थोड़ा सा बड़ा। केयरफुली करिएगा कीजिए। एडिटिव ग्रुप है, एडिटिव ग्रुप में आइडेंटिटी 1 नहीं है, 0 है, 0 इज द आइडेंटिटी। प्लीज प्रेजेंट बाद में कर लेना, मतलब अच्छे से प्रेजेंट बाद में करिएगा। अभी डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं कि इसका ऑर्डर इतना है, इसका इतना है, रफ में निकाल के बता सकते हैं। जीरो बिलोंग्स टू जेड सिक्स इज द आइडेंटिटी, दिस इम्प्लाइज ऑर्डर ऑफ जीरो इज वन। नेक्स्ट जी, 1 के लिए आइए, 1 1 टाइम 1, ऐसे ही बिल्कुल ऐसे ही लिखिएगा एग्जाम में भी, जब भी आए आपके पास बिल्कुल ऐसे ही लिखो भाई, ये बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन है। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, यस, कैन नॉट बी रिड्यूस्ड, नॉट इक्वल टू जीरो, 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 इक्वल टू जीरो आइडेंटिटी। हाउ मेनी टाइम्स? सिक्स। सो ऑर्डर ऑफ 1 इज 6। मैं इंतजार कर रहा हूँ, आप लोग करके दिखाइए, या करिए तो करना पड़ेगा, करिए कोई बात करिए। बाकी लोग एनालिसिस की क्लास लेके गायब हो जाते हैं, अभी तो नया नया है सब कुछ। चलिए कोई बात नहीं।
आइए यस स्टूडेंट्स, इतना टाइम लगा होगा तो कैसे चलेगा काम। हाँ थ्री टू सब ऐसे ही लिखना है, टू के लिए लिख देते हैं। यस 2 1 टाइम, 2 2 टाइम्स, 2 3 टाइम्स। जी दिस इज़ जीरो, जीरो का मतलब आइडेंटिटी एंड यू नो व्हाट टू राइट। उस 1 2 3 दिखाने के बाद बाकी सबके लिए सिमिलरली आप माइंड में भी कैलकुलेट कर सकते हैं, बट क्लैरिटी होनी चाहिए। यानी कि आप चार्ट याद करने बैठ गए भाई, एनी टाइम कोई नया सेट आ सकता है, फिर क्या करोगे? याद करने को मतलब है। क्लियर हो गया? यस नेक्स्ट यस नेक्स्ट। हाँ जी, दिस इज इम्पोर्टेंट इम्पॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। आप मुझे बताओ ये जीएल का मेंबर है या एसएल का मेंबर है? जीएल या एसएल? अरे भाई, जो एसएल का मेंबर होगा वो जीएल का नेचुरली हो जाएगा। अगर डिटरमिनेंट 1 है तो नॉन जीरो भी तो है कि नहीं? तो ये दोनों का मेंबर है, दोनों का मेंबर। जीएल लिखिए या ऐसे लिखिए, एक ही बात है। करिए ऑल ऑफ यू, ठहर जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए, रुकिए रुकिए। अरे रुको भाई रुको, निकार मैं तुम टेरर में चले जाओगे। यहाँ देखो सबके तुम नंबर्स तो फिर भी ठीक है, क्या करेंगे? यस इज इट अ मेंबर ऑफ जीएल? दिस इज नॉट अ मेंबर ऑफ एसएल, बट दिस इज अ मेंबर ऑफ जीएल, एम आई राइट? मान यस लो इसका ऑर्डर निकालना, सपोज इसका ऑर्डर निकालना है आपको, फाइंड ऑर्डर ऑफ। ध्यान दीजिए, मल्टीप्लिकेशन ही होता है एस एल या जी एल। क्लियरली ए पावर 1 इज 0 1 1 0, दिस इज नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी। व्हाट इज ए पावर 2? ओके लेट मी राइट, साथ दीजिए साथ साथ। हाँ जी, इज इट इक्वल टू 1 0 0 1? चेक करो, लो जी आइडेंटिटी आ गया। ये तो किस पावर के लिए आइडेंटिटी आया बताइए? अब देखो भाई, यहाँ मैं आप सबको एक तरह से सजेस्ट कर रहे हैं या वार्न कर रहे हैं कि यहाँ ये वाला सिंबल यूज करना ठीक नहीं रहेगा, बिल्कुल भी ठीक नहीं रहेगा। वी आर इन मेट्रिसेस, तो एनीबडी एनी टाइम कैन से कि सर ये तो डिटर्मिनेंट लिख दिया, मत लिखिए ना ऐसे, ऐसे लिखिए ना, यही तो शुरू में बोला था आपको भाई। ठीक है कॉन्टेक्स्ट हमें पता है, बट कोई भी हो सकता है कंफ्यूज क्या लिखा है क्या नहीं लिखा। अच्छा रुकिए अभी, खैर जी, अरे ये ऐसे ही रफ में ज़रा कैलकुलेट करके बताएंगे इसका ऑर्डर क्या आएगा? रफ में कैलकुलेट करके बता दीजिए ज़रा इसका ऑर्डर क्या आएगा। आप सभी लोग, आप सभी स्टूडेंट्स, देखिए सामने देखिए, कोई बात नहीं, पावर से निकालनी है। बी पावर 1 निकाल लिया, किसी बच्चे ने बी पावर 2 निकाला है, माइनस आइडेंटिटी आएगा, तो बी पावर 3 क्या आएगा? बी स्क्वायर मल्टीप्लाइड विद बी, सो दैट इज माइनस बी, एम आई राइट? तो बी पावर 4 क्या आएगा भाई? बी स्क्वायर मल्टीप्लाइड विद बी स्क्वायर। थैंक यू, सब बच्चों को क्लियर हो गया? हाँ तो बोल दो कम से कम, ऑर्डर बताओ क्या आएगा ऑल ऑफ यू। फोर मेथड समझ में आ गया आप लोगों को? इसको कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए पहले ऑल ऑफ यू। ऑर्डर है आपका 2,
ऑर्डर आपका हो, प्लीज कॉपी डाउन ऑल केयरफुली, हाँ केयरफुली, जल्दबाजी का काम नहीं है बिल्कुल भी। Then, यस सर। ओके नेक्स्ट थिंग, अब ऑल ऑफ यू यू कैन ट्राई, यू शुड ट्राई, जबकि इम्पोर्टेंट लिखती है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, दिस इज इम्पोर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, दिस इज इम्पोर्टेंट। देखिए बहुत खतरनाक चीज़ है, दो तीन पावर्स निकाल लें, निकालो नहीं कोई बात नहीं, दो तीन पावर्स निकालो। ए का सेकंड पावर टर्न आउट टू बी, थर्ड पावर टर्न आउट टू बी, यस ये तो कमाल ही कर दिया भाई इन्होंने। तो आपका कभी भी देख लीजिए इवन nth पावर जो है वो भी यही आ रहा है, 1n01। हाँ जी, विल इट ऑल ऑफ यू, 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 विल इट एवर बी इक्वल टू 1001? अरे भाई पावर बढ़ाओ, ये तो बढ़ता ही जा रहा है, जीरो तो कभी आएगा ही नहीं, आए समझ में? तो ये हाँ जी ये एग्जाम्पल है एक ऐसे एलिमेंट का जिसका ऑर्डर इन्फाइनाइट है। क्लियर हो गया? बाकी मैं अच्छे से प्रेजेंट कर दूंगा, इसको अच्छे से प्रेजेंट कर देते हैं। दैट इज देयर एग्जिस्ट नो पॉजिटिव इंटीजर एन सच दैट ए पावर एन इज आइडेंटिटी, that is order of a is not finite, infinite भी लिख सकते हैं। अच्छा अब आपके लिए सजेशन है, आप सबके लिए क्या सजेशन है, देखिए भाई क्या सजेशन है एवरीवन, सामने देखो, हाँ हाँ देखते रहो क्या हो गया, बात तो समझ ही गई होगी आप, याद कर लेना इसको। एग्जाम्पल ऑफ एन एलिमेंट हुज ऑर्डर इज इनफिनिट, मैट्रिक्स की शक्ल देखिए उसको याद कर लीजिएगा, याद रहेगा आपको, डोंट वरी करो।
ए स्क्वायर में 4 एलिमेंट माइनस 10। नहीं, यू आर रॉन्ग। बिल्कुल ठीक लिखा है मैंने, आपके कैलकुलेशन गलत है। माइनस कहाँ से आएगा? माइनस नहीं आएगा ना, किसी भी पावर के लिए नहीं आएगा, आउट ऑफ क्वेश्चन माइनस। आपने करेक्ट कर लिया? चलिए, रेडी फॉर नेक्स्ट। देखिए आगे, ये स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन अच्छा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, करिए भाई, मार्वेलस क्वेश्चन, प्राइजलेस क्वेश्चन आई शुड से, प्राइजलेस। भाई ए के लिए तो आपको भी कराया ही था, फिर भी आप कर रहे हैं, अच्छी बात है। स्टेप वन, कितना ऑर्डर आएगा ए का? कहाँ गायब हो गए भाई? बिल्कुल ठीक बात है, ए स्क्वायर करेंगे तो। हाँ, गलत सलत बता रहे हो, ए का थर्ड पावर करेंगे तो, ए का फोर्थ पावर करेंगे तो, मैंने बताया भी था आप लोगों को। नहीं, अच्छी बात तो नहीं है, इतना टाइम लगाएंगे आप? देयरफॉर ऑर्डर ऑफ ए ये 4 आ गया। नेक्स्ट, हाँ जी बी, मैं वेट कर रहा हूँ आपको, 7 लगे रही है ऑर्डर ऑफ बी। निकालिए आंसर, बैठिए नहीं ऑल ऑफ यू, इतने बच्चे जुड़े हुए हैं।
एनालिसिस पढ़ने के बाद अलजेब्रा पढ़ने का तो वैसे ही मन नहीं करता तुम्हें, अभी नए नए हो, अभी देखते जाओ ग्रेजुएशन में आगे क्या क्या होगा, डोंट वरी। एक भी बच्चे ने निकाल के नहीं दिया आंसर, क्या करके आएंगे पता नहीं एग्जाम में, कमाल है भाई। फर्स्ट पावर सेकंड पावर था नहीं, इतना बहुत ज़्यादा टाइम लगा रहे हैं आप, एंट्रीज तो बहुत अच्छी हैं। 1-1 का कॉम्बिनेशन तो अनपैरेलल होता है, 3 होगा। थर्ड पावर आइडेंटिटी होना चाहिए, इस मैट्रिक्स का तीसरा पावर निकालना है आपको। हाँ जी कैलकुलेशन, यस मिस्टर, क्या हुआ, क्यों गलत, गलती कैसे हो गई, गलती तो नहीं होनी चाहिए। देखिए मैट्रिक्स अगर लंबा चौड़ा होता तब गलती के चांसेस थे यार, थोड़ा थोड़ा तो केयर से काम कीजिए, आप सभी लोगों को कह रहा हूँ। आंसर भी नहीं दिया, कैलकुलेट भी नहीं करके दिखा रहे हैं, निकाल के बताइए मेरे को कि थर्ड पावर आइडेंटिटी आया या नहीं आया, कोई बड़ा टास्क नहीं दिया आपको। सेकंड पावर क्या है बताओ, सेकंड पावर, यस यू बॉय, फर्स्ट रो, फर्स्ट रो, सेकंड पावर मैच कर रहे हैं आप लोगों का, यस इसका थर्ड पावर आ जाएगा भाई, आइडेंटिटी आ जाएगी। ओके अब ज़रा लास्ट वाला स्टेप मैं करके दिखाता हूँ आपको। देखो भाई, देखिए मुझे कुछ भी करके डिप्रेशन का शिकार नहीं होना है, आपको क्वेश्चन के लिए बोला जाता है, आप चुप करके बैठ जाते हैं, सभी स्टूडेंट सामने ध्यान लगाएं, आप इसे बोला जा रहा है सामने ध्यान लगाओ, ये हो गया, ये हो गया ए बी, नाउ व्हाट इज ए बी, प्लीज प्लीज प्लीज, चेक करिए। देखिए मैं तो, मुझे याद है ऑलरेडी, मुझे याद है बट फिर भी चेक करा देते हैं, दिस इनटू दिस, 1 1 0 यही आएगा। अभी पिछला क्वेश्चन याद आया या नहीं है, इसको देख के कुछ याद आ रहा है, क्या बोला था, ये तो वही है, ये तो वही है, सो क्लियरली यस, ए बी का nth पावर, तो दिस विल बी इक्वल टू 1n01 एंड दिस इज नेवर इक्वल टू आइडेंटिटी फॉर एनी n, दैट इज बोले ऑर्डर ऑफ ए बी क्या आएगा, इन्फिनिटी इज इनफाइनाइट। हाँ जी ये क्वेश्चन क्यों इम्पोर्टेंट है, सुनो 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 ऑल ऑफ यू सुनो, ए का ऑर्डर, बी का ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ ए बी का ऑर्डर फाइनाइट ही नहीं है। वेट वेट, अरे ठहरिए ठहरिए ठहरिए, ये पता है कितने मार्क्स का क्वेश्चन बनता है इस पर, ये जी है, ये ए है, ये बी है, क्लोजर लगाएंगे तो ए भी हो जाएगा। अब जरा साथ आइए, यस क्वेश्चन नंबर 1, क्या ये ऐसा होता है भाई, नेचुरल सा टास्क है, होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2, क्या ऐसा होता है, दोनों में से कुछ नहीं होता, नहीं होता ना, कैसे सर, मेरा सामने एग्जांपल है यार, ये रहा, इसको ए लीजिए, इसको बी लीजिए, ऑर्डर ऑफ ए फाइनाइट, ऑर्डर ऑफ बी फाइनाइट, बट ऑर्डर ऑफ ए भी फाइनाइट है या नहीं है, नहीं है ना, नहीं है, नहीं है, इवन ऑर्डर ऑफ ए बी इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए मल्टीप्लाइड विद ऑर्डर ऑफ बी भी नहीं है। समझ में आ गया आपको इक्वेशन कहाँ कहाँ यूज होगा, करिए पूरा करिए, तो करना पड़ेगा, अब तो ये भी नहीं कह सकते तुम कि बाद में करेंगे, क्योंकि इम्पोर्टेंट ही देना है, बाद में क्या करोगे। आप सबको स्टेटमेंट याद रखनी है इसकी, क्वेश्चन की, ए कितना है बी कितना है, बस ये याद रखना, ये एग्जांपल कहाँ कहाँ काम आएगा, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, इन दोनों में काम आएगा।
है अब बाद में लिखना नेक्स्ट, वो तो आपको प्रोसेस में लेके आना था कि हाँ भाई ऐसे ऐसे है जी। ये सब चैलेंजिंग टॉपिक्स हैं और इस चक्कर में मत रहिए कि लंबी क्लास नहीं हुई और ये नहीं वो नहीं, कंटेंट एक्चुअल में मैटर करता है। वो जैसे मैं बोलता हूँ हमेशा, आत्मसात करने में आपको टाइम लगेगा, नई नई चीज़ें, बट है बहुत इंटरेस्टिंग। नेक्स्ट, ऑल ऑफ यू पहला हथौड़ा आप चलाइए। देखिए करते हैं, अगर आपने ट्राई किया है तो समझ में आ जाएगी बात। देखिए जेड प्लस है भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 0 1 -1 2 -2 3 -3, मेरे साथ आओ आराम से काम, सारा काम। सॉल्यूशन गोज लाइक दिस, 0 बिलोंग्स टू z इज आइडेंटिटी, दिस इम्प्लाइज ऑर्डर ऑफ 0 कितना हो गया आपका, 1। नेक्स्ट, हाँ जी ज़रा ध्यान दीजिए, 1 1 प्लस 1 1 प्लस 1 प्लस 1 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 एनी नंबर ऑफ टाइम्स, क्या ये कभी भी 0 के बराबर आएगा? कभी भी नहीं आएगा, आइडेंटिटी तो कभी आएगा ही नहीं। सो देयरफॉर क्लियरली देयर एग्जिस्ट, यस ये देखिए ज़रा, क्लियरली देयर एग्जिस्ट नो पॉजिटिव इंटीजर। हाँ देखिए देखिए, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, एन सच दैट, ये ऐसे करके लिखना है आपको जैसे मैं बता रहा हूँ, 1 प्लस 1 प्लस 1 और ये ऐसे, समझ में आ गया? ये ऐसा कभी होगा ही नहीं। सो इट फॉलोज दैट ऑर्डर ऑफ ए इज फाइनाइट या नॉट फाइनाइट, बस समझ में आ गया आपको। अब ऐसी प्रैक्टिकली बता दो, जी 1 को कितने टाइम्स ऐड करने पे 0 आएगा, कभी आएगा ही नहीं। 2 को कितने टाइम्स ऐड करेंगे 0 आएगा, नेवर। 3 को नेवर, सबका ऑर्डर इनफाइनाइट। थैंक यू, सब बस सिमिलरली लिख लीजिएगा जी। इसके अभी सुनिए सुनिए सुनिए, इसके बाद सिमिलरली फॉर एवरी अदर एलिमेंट, ओके, सबका ऑर्डर इनफाइनाइट। कैसे सर? ऐसे देख लीजिए, -1 को एक बार ऐड किया -1, 2 टाइम्स -2 3 टाइम्स -3 4 टाइम्स -4, विल इट एवर भी 0? नेवर भी 0, नेवर। हो गई, क्लियर हो गया? तो ग्रुप भी बहुत अच्छा है, एग्जांपल ऑफ अ ग्रुप इन विच ऑर्डर ऑफ एवरी नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट इज इंफिनिटी, ऑर्डर ऑफ एवरी नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट इज इंफिनिटी या इनफाइनाइट भाई, क्लियर एग्जांपल? ज़्यादा हैवी तो नहीं हो गया आज, सारा करके आइए, कल सब करके आइएगा, कल भी क्लास लेंगे। आई थिंक इतने आज के लिए सफिशिएंट है, और करा दूँ? हाँ अभी सुनिए, मैंने आज किसी चीज़ का आपको प्रूफ नहीं कराया है, सिर्फ प्रैक्टिकली ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट मतलब समझा के, प्रैक्टिकली कुछ ग्रुप्स के अंदर जा जा के एलिमेंट्स के ऑर्डर हमने निकाले हैं, कोई रिजल्ट नहीं प्रूव किया है। अभी कल कुछ रिजल्ट्स भी प्रूव करेंगे कि व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट एंड ऑर्डर ऑफ इट्स इनवर्स प्रूव होगा, और कायदे से किसी एलिमेंट का ऑर्डर अगर आपको आर प्रूव करना है तो कैसे प्रूव किया जाता है। सो मैनी थिंग्स विल कम, ओके, फिर ये इसको प्रिपेयर करके लेके आना कल, फाइन? यस यस श्योर। चलिए भाई, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक्स फॉर कमिंग, थैंक यू।